अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर। फोर का ये पार्ट करेंगे। फोर का ये पार्ट कर रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास 250 हाउस होल्ड हैं, ठीक है। उनमें से आपने 10 हाउस होल्ड को 250 की लिस्ट है और उनमें से आपने 10 निकाल दिए। ये किस तरह से निकाले, अक्सर स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता रैंडम डिजिट टेबल को किस तरह से यूज करना है। ये इंतहा इंपॉर्टेंट चीज है और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। आपने कंसेप्ट क्लियर करना है और ये पेपर में मे भी आ जाए, लेकिन अभी तक ये मैंने नहीं देखे आए हुए, ठीक है। जितने भी मैंने प्रीवियस पेपर्स चेक किए हैं, सोल्व भी मैंने कुछ किए हैं, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह एंड पर दूंगा। जब पेपर आपके हो रहे होंगे उससे पहले दूंगा। तो आपने 10 हाउस होल्ड को सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट उसने था इम्पोर्टेंट चीज़ कह दी है कि बाय यूजिंग टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स। अब रैंडम डिजिट्स का टेबल आपके एंड पर है, ये जो बुक है आपकी, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके एंड पर है ये टेबल। अब इसमें से आपने सेलेक्ट करना है, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। अब कैसे करें, आप स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा टेबल है इसमें से हमने कैसे सेलेक्ट करना है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात ये, उसने 10 के हैं, 10 ही हमने करने हैं। दूसरे नंबर पर ये देखना है जो उसने कहा कि कितने की लिस्ट है, 250 की लिस्ट है। अब 250 की लिस्ट में से इसे अगर आप डिफाइन करें, आपको मैं एग्जाम्पल छोटी सी दे दूँ कि अगर आपका ये पास आपकी क्लास में टोटल है 40 स्टूडेंट, ठीक है, और आपका रोल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, वहां से स्टार्ट होकर 40 तक जा रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने रोल नंबर रखना है 0 से, अब 40 स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, आपका रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल होंगे 40 स्टूडेंट, लेकिन 0 होने की वजह से वो एक कम हो जाएगा। अब यही बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी। अब यहाँ पर कितने डिजिट है, टोटल गिन लेने हैं। फर्ज करें अगर 6 आ जाता है साथ, टोटल कितने हो गए, 4 डिजिट। अब अभी हमारे पास है 3, तो ये होगा हमारे पास 00 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 249 तक। अब ये बात आपने अगर गौर से समझ ली तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर, ये एग्जांपल मैंने बड़ी अच्छी तरह से आपको बता दी है। अब 00 से लेकर हमें 249 तक डिजिट सेलेक्ट करने हैं। उसने कहा रैंडम टेबल को यूज करते हुए करने हैं। अब रैंडम टेबल को यूज करते हुए हम कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडम डिजिट को यूज करते हुए। अब ये देखें, अब मेरे पास ये रैंडम डिजिट्स का टेबल है, ये 2 मेरा ख्याल 2 से स्टार्ट हो जाता है आपके पास। अब इसमें से आपने सेलेक्ट करने हैं, अब आपको नहीं पता कहाँ से सेलेक्ट करने हैं, इसकी कोई बात नहीं, आपने कोई भी पेज निकाल लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपको मुनासिब लगे वो आपने निकाल लेना है। मैंने फर्स्ट ही ले लिया है। अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी है कि आपने कहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं फर्ज करें मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ या यहाँ से करना चाहता हूँ या स्टार्ट से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से स्टार्ट लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरी मर्ज़ी है, आप जिस जगह से मर्जी स्टार्ट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने 3 डिजिट सेलेक्ट करने हैं। वो 3 डिजिट की मैंने बात आपको ऑलरेडी बताई है कि आपने 000 देख लिया है ना, टोटल कितने डिजिट थे हमारे पास, 3 डिजिट थे, तो 00 से स्टार्ट होना था। अब ये देखिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, 3 डिजिट देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये फर्स्ट 3 डिजिट है 160, ठीक है, तो ये भी मैं लिखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट 218, ये टोटल 3 आपने टोटल करने हैं, ठीक है, ये भी मैं लिखूँगा, 218 भी आ जाएगा। 0 से लेकर 249 की रेंज तक आपने लिखने हैं। अब नेक्स्ट इसके देख लेते हैं, नेक्स्ट 3 डिजिट क्या बनते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास 574 बन जाएगा। अब ये मैं नहीं लिखूँगा, क्यों, क्योंकि ये 250 से बड़ा है, इस 250 से बड़ा है, तो ये नहीं लिखूँगा। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, 692, ये भी मैं नहीं लिखूँगा। उसके बाद 962, ये भी मैं नहीं लिखूँगा। उसके बाद 710, ये भी मैं नहीं लिखूँगा। उसके बाद 253, ये भी मैं नहीं लिखूँगा।
उसके बाद 6747 ये भी मैं नहीं लिखूँगा। जब तक ये नहीं आएंगे मेरे पास तो मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि बड़े आ रहे हैं। 619 ये भी नहीं लिखूँगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर 893 ये भी नहीं लिखूँगा, ये आ जाएगा 829, ये भी नहीं लिखूँगा क्योंकि बड़ा है। अब 1737 आ जाता है, ये लिखूँगा मैं 137। अब इससे आगे जितने भी नेक्स बनते जा रहे हैं, 3-3 डिजिट के डिफरेंस हैं अपने बनाने हैं, वो आपने लिखते जाने हैं। अब टोटल लिखने कितने, आपने 10 लिखने हैं। अब मैं आपको फर्जी तौर पर जो मैंने स्टार्ट किया था 160 से, तो मेरे पास मैं यहाँ पर लिखूँगा 10 हाउस होल्ड्स रैंडम डिजिट्स आर, वो ये हैं। कौन कौन से हैं आप कोई से भी लिख सकते हैं यहाँ से, 160 ठीक है। दूसरा मेरे पास आया था 218, तीसरा मेरे पास आया था 137। अब इसी तरह मुझे 10 टोटल करने हैं। अब यहाँ से जहाँ से आप स्टार्ट हुए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ही लिखने हैं ठीक है, तो आप कोशिश करें यहाँ से लिखें, क्योंकि ये रैंडम डिजिट का आपका टेबल यूज़ हो रहा है। आपने टोटल 10 लिखने हैं ठीक है। इसकी दूसरा मेथड भी है, ये सिर्फ एक मेथड नहीं है, अगर दूसरा मेथड आप करना चाहें चूज़ वो बहुत ही बेटर है, वो है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर से मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैलकुलेटर से आपने किस तरह से बनाने हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कहता है मेरे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास कि अ पोल इज टू बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन द वोटिंग प्रेफरेंस ऑफ द वोटर्स इन अ सर्टेन सिटी। एक खास शहर में ये वोटर्स को इकट्ठा किया गया कि वोट करें किसी खास बंदे को ठीक है। तो ये कोई भी खास सिटी हो सकती है, ये फर्ज करें हमारा टोबा टेक्सिंग ही एक सर्टेन सिटी है। डिजाइन ए सैंपलिंग पास सो दैट द सैंपल वुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फॉर ऑल द वोटर्स। ये हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन है ठीक है, इसका आंसर काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ये पेपर में तो इसी तरह का आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका आंसर काफ़ी बड़ा बन जाएगा, बट मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ठीक है, अगर मैं अभी इसको बारे में बताने लगे हूँ तो ये एक घंटे की वीडियो बन जाएगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मोबाइल पर ठीक है, ये यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे आपको एक एरो नजर आ रहा होगा ऊपर को, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे को हो जाएगा ठीक है। यहाँ पर थर्ड लाइन में लिखा होगा 4B पार्ट आंसर। तो ये मेरे से जितना भी लिखा गया मैं आपको इंग्लिश में लिख के बता दूंगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब इसका करते हैं 4C पार्ट, वो भी बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह हमने ऑलरेडी ये किया है। मैं ये क्वेश्चन 4B पार्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप में से कई स्टूडेंट ये ना कहें कि सर को पता नहीं है या आता नहीं है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। 4C पार्ट करते हैं, उसमें कहते हैं 300 हाउस होल्ड हैं। अब पहले कितने थे, 300 हाउस होल्ड हैं, पहले थे हमारे पास 250, अब 300 है, इसमें से कहते हैं 300 तक। अब क्या होगा इसके लिए, 00 से स्टार्ट होगा, 3 डिजिट है तो 000 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 299 पर, 299 तक जाएगा। अब चाहे तो रैंडम डिजिट टेबल को यूज़ करके कर सकते हैं दूसरे नंबर पर, ये ज़रूरी नहीं कि यही टेबल यूज़ करना है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो या आप कोशिश कीजिएगा, इसी वीडियो के ऊपर आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा ठीक है, आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि कैलकुलेटर से रैंडम डिजिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। या अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो आपके पास कॉर्नर में 3 डॉट्स आ रहे होंगे, इन डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई कार्ड का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फाइंड रैंडम डिजिट्स यूजिंग कैलकुलेटर। तो उसमें भी मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा, अभी मेरे पास एक कैलकुलेटर है, फिर दूसरा भी होगा तो मैं अच्छे से आपको डिफाइन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, वो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।